नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका काबरा आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ इस बार मेरी बनाई एक कविता। ये कविता मेरे दो ख्यालों के ऊपर है, इसलिए इसका शीर्षक भी है दो ख्याल। देखा कुछ ऐसा इन दिनों कि दो ख्याल आए, जीवन कैसे जिए कि अंत में लगे कि हाँ हम भी कर कुछ कमाल आए। तो पहला ख्याल, जियो कुछ इस तरह कि अपने नाम की पूरी दुनिया पर छाप पड़े, करो कुछ ऐसा कि जाने के बाद भी सब तुम्हारा नाम याद रखे। प्रेमचंद, दिनकर, निराला की रचनाएं हम अभी भी दोहराते हैं, अब्दुल कलाम हमारे भारत के हैं ये सोचकर कितना इतराते हैं। या फिर जीवन उन गायकों कलाकारों जैसा जो अपनी कृतियों में जिंदा है, या फिर नेताजी, शास्त्री, भगत सिंह जैसे इतिहास के पन्ने दे जिनकी साक्षी ऐसे वीर भी तो चुनिंदा है। हाँ, सच में जीवन हो तो ऐसा, नहीं तो किसको याद रहेगी हमारी स्मृति। अब इस निर्णय पर पहुंची थी कि दूसरे ख्याल ने दस्तक दी। क्यों चाहती हो कि तुम्हें याद रखे कोई, और तुम्हें जानना ही क्यों है कि तुम्हारे जाने के बाद में किसके मन में और कितनी हलचल हुई। क्या सफल सिर्फ वही हैं जो नाम कर गए, तो फिर उनके बारे में क्या कहोगी जो गुमनाम ही सारा काम कर गए। वो माता, वो पिता जिन्होंने अपनों के लिए अपने स्वार्थ को त्याग दिया, वो सिपाही जिसने सरहद पे अपनी जान को सौंप दिया, वो डॉक्टर, वो सुरक्षाकर्मी जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए आज अपनी जान को जोखिम में डलवाया, या वह अदृश्य दानी जिसने करोड़ों दान किए पर सोशल मीडिया में अपना फोटो नहीं छपवाया, वो जो किसी एक इंसान, एक सोच, एक जिंदगी को बदल रहा है, वो जो सकारात्मक की ऊर्जा किसी एक के मन में थोड़ी सी ही सही लेकिन भर रहा है। मैं निःशब्द थी इस पक्ष को सुनकर, समझ ही नहीं आया क्या सही है, क्योंकि दोनों ही ख्याल सही लगे परस्पर। मन के इस मंथन से फिर एक समाधान आया, नाम से ज्यादा कर्म और सोच का महत्व है ये समझ आया। एक बात की इन दोनों पक्षों में ही समानता थी, उनके मन में अपने नाम के नहीं अपने कर्म के प्रति प्रधानता थी। नाम होना ना होना ये तो किस्मत की बात है, पर कर्म कैसे करें ये तो अपने हाथ है। तो कर्म करो और अच्छी सोच पर जोड़ दो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। मैं जानना चाहती हूं कि इस कविता में आपका क्या मत है, क्या आप भी मेरे विचार से सहमत हैं? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर ये कविता अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।